हमारे चंद्र भैया यहाँ पे फुल ऑन रेडी हो चुके हैं। हमें आर्मी वाले प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आर्मी वाला जिप्सी आगे आगे, हम पीछे पीछे। थैंक यू यार, तो बंदा तूने पहुंचा दिया यहाँ पे, सपना पूरा हो गया यार। तो दोस्तों हम पहुंच गए फाइनली दीपक ताल, वी मेड इट मैन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो मनाली में आप सब लोगों का स्वागत है। और दोस्तों हमारा जो ट्रिप है, फाइनली हम ट्रिप में निकलने वाले हैं और ट्रिप का शुरुआत यहाँ से होने जा रहा है। और बाकी व्यू देखो यार, क्या नज़ारा है ये देखो। तो मौसम सुहाना और इस सुहाने मौसम में हम ट्रिप में निकलने के लिए रेडी है। तो अभी बाकी पार्टनर्स नीचे हैं, तो पार्टनर्स से मिलाते हैं। और हमारे चंद्र भैया यहाँ पे फुल ऑन रेडी हो चुके हैं, और दिनेश ऊपर है, चंद्र भैया नीचे, तीन हो गए। और पासिंग भैया और मिंगल मामा जी, वो लोग अभी इधर उधर ही है। बहुत बड़ा हवेली है ये, तो ढूंढना पड़ता है, नीचे जगह मिलाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली मैं बता देता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं लेह लद्दाख। सो हम लोग लद्दाख जा रहे हैं, लद्दाख के आसपास भी कहीं कहीं जाएंगे, तो वो बात हम धीरे धीरे रिवील करेंगे कहाँ कहाँ हम जाने वाले, कौन कौन से जगह देखने वाले। तो इस वाले ब्लॉग में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, कितना हमारा खर्चा होने वाला है, कितना हमारा पैसा लगा, कौन कौन से रूट पकड़े हमने, कौन कौन से शॉर्टकट्स लिए, कौन कौन से जगह में जाके कैसे करके हमने पैसे सेव किए। ये वाला जो ट्रिप होने वाला है, ये बजट फ्रेंडली ट्रिप होने वाला है एकदम ही। हम मतलब पैसा कम खर्चे करें, घूमें ज़्यादा, एक्सप्लोर ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये वाला सीन बनी है, तो सब कुछ आप लोगों को डिटेल मिलने वाला है, पर आप लोगों को ब्लॉग में बने रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों लगेज हमारा वहाँ जा चुका है, मेरा लगेज तो सबसे पहले ब्लू कलर का जो दिख रहा है। बाकी हमारा जो दो पार्टनर्स है उनमें से एक हमारे पासंग भैया यहाँ पे है। हेलो भैया। और हमारे मिंगवर मामा जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ दो पार्टनर्स ये है और हम तीन ये हो गए। सो हम पांच लोग हैं, हम पांच लोग मिलके ये ट्रिप को कंप्लीट करने वाले हैं, लेह लद्दाख का ट्रिप। बाइक के पास चलते हैं, बाइक को फुल स्टार्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं सफ़र में। आई एम सो एक्साइटेड। तो ये वाला सफ़र करने के लिए बहुत समय से मैं इंतज़ार कर रहा था कि लद्दाख जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, लद्दाख करेंगे, लद्दाख करेंगे। तो फाइनली वो दिन आ चुका है आज कि हम लद्दाख का सपना पूरा करेंगे। तो हम लोग लद्दाख का सपना पूरा करने वाले हैं, मेरे साथ आप लोग भी हैं, तो हम सब मिलके ये सपने को पूरा करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो बाइक को रखते कूल स्टार्ट में, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल। सो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए। तो हमारे गाड़ी वाले भाई साहब यहाँ पे रुके हुए हैं, शायद हमारा वेट कर रहे थे। ओके ठीक है, वहाँ जाएंगे आप लोग पीछे पीछे ना। चलो ठीक सामा जी। कितने साल पहले का सपना था मेरा, यहाँ पे रह के भी मैं नहीं जा पाया। बट ऊपर वाले का कोई ना कोई प्लान होता है, जब ऊपर वाला कुछ करता है तो वो अद्भुत तरीके से करता है। कई बार मैं शिंकुला आगे खारदोंगला तो वहाँ तक गया, पर कभी ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। उस टाइम ब्लॉगिंग करते भी नहीं थे हम। तो इस बार शायद ऊपर वाले की मर्जी ये है कि भाई बेटा तो जा, पर ब्लॉगिंग करते हुए जा। लो जी पहुंच गए हम पेट्रोल पंप, पेट्रोल फुल करो भाई। हाँ यहाँ पे प्राइस चला हुआ है 97.78, तो अभी 680 रुपये का पेट्रोल, 6.96 लीटर। लग तो ये रहा है कि हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ्लड आया है उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है हिमाचल में टूरिज्म में। अच्छा ये है कि हमको ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा, और दूसरी बात ऐसा है कि ट्रैफिक कम होने से दिक्कत भी होता है, स्पेशली ले वाले रूट पे। दिक्कत क्यों, इनकेस आप फंस गए, कुछ हो गया, तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा वहाँ पे।
इस ट्रिप में हम कितना बाइक चलाएंगे, तो वो चीज़ मैं नोट करना भूल गया। हमारा जो मीटर है वो है 32969। ओके, यहाँ पे आके देखते हम कितना किलोमीटर का राइड आज करते हैं। और लद्दाख के 423 किलोमीटर इसे हमें कवर करना है। तो दोस्तों धूप निकल चुका है और हम पहुँच गए हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली खाली खाली पड़ा हुआ है। और दोस्तों हम लोग जो रास्ते में कितना ब्रिज क्रॉस करते हैं, हम ब्रिज को भी गिनेंगे। देखते हैं हम इस ट्रिप में कितने ब्रिज को क्रॉस करते हैं। लोजी अटल टनल का छोटा भाई से भी छोटा भाई, सबसे छोटा वाला भाई है ये। तो दोस्तों सक्सेसफुली हमने पहला ब्रिज क्रॉस कर लिया है। दो ब्रिज हम पीछे भी छोड़ आए थे मनाली में, उन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट होगा। एक अभी हमने क्रॉस किया, ये आगे एक हमारे खाते पे। तो देखा दोस्तों अटल टनल खाली पड़ा हुआ है। इतना भीड़ होता था यहाँ पे, लोग फोटो खींचने के लिए, फोटोशूट करने के लिए, खाली भाई, पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। लो जी हमने क्रॉस कर लिया अटल टनल और सुबह का पहला धूप हमारे तन मन बदन पे लगता हुआ, मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गर्म हो जाएगा शरीर। शिशु वाटरफॉल है इसके पीछे। अपना ढाबा में करेंगे नाश्ता, तंदूरी रोटी खाएंगे। तो दोस्तों ये आ गया तंदूरी पराठा। सब लोग टूट पड़े, इतने भुक्कड़ जैसे सब लोग टूट पड़े हैं यहाँ पे मेरे अलावा। पसंग भैया भी लगे हुए हैं। पसंग भैया को तो खाना जरूरी है क्योंकि इन्होंने खाली पेट ही इंजेक्शन लगवा लिया है, तो इनको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है अभी। तो भोजन अच्छे से ले लीजिए। और हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और मैं भी अभी ब्रेकफास्ट लूंगा। फर्स्ट बाइट लेते हैं बटर के साथ विद। भाई पहले एक तो खा ले। खाएंगे ब्रो, खत्म ही भाई। नहीं मैं तो पहले एक चार बनाने पहले कारीगर का हाथ का माल पसंद आ गया तुम लोगों को, क्यों है? सही है। चलो अभी ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों अभी नाश्ता कर रहे थे, कुछ फनी बातें याद आ गया, तो मैंने कहा हमने यहाँ दही मंगाया है और यहाँ पे चाय की जगह मैं दूध लिया, मैं चाय पीता नहीं हूँ, और पसंग भैया ने भी दूध लिया हुआ है और पराठा खाने हम लोग, ठीक है? तो दही जमाने के लिए दूध में दही डालना पड़ता है, ठीक है? तो मैं अभी वही बात कर रहा था कि हम दूध पी रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, तो अंदर जाके दूध भी दही बनेगा। और मामा जी ने क्या कहा बताइए जरा, मामा जी दही क्या बनेगा? या फिर कड़ी बन गया तो बाहर निकल गए बाद में कड़ी बन के बाहर निकलेगा बोला ये। तो दोस्तों खाना पीना नाश्ता पानी हो गया है, अब हम पांडी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तीसरा ब्रिज रहा ये, सब लोग आगे निकल गए, मैं अकेला। और पता नहीं गोपुरो में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मैं। वहाँ पे भेड़ बकरियाँ चरा रहे पर है तो ज़मीन पूरा बंजर है, चरने के लिए कुछ तो दिख रहा नहीं है मुझे वहाँ पे। एनीवेज केलोंग में अब नेक्स्ट स्टॉप शायद हो सकता है 9 किलोमीटर के बाद, वहाँ पे फ्यूल अप वगैरह करवाना है। और ले 363 किलोमीटर्स है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज ले कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हम जिस तरीके से चल रहे हैं इंजॉय करते हुए, ले आज के दिन हम नहीं भी पहुंचेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आता है उतना डलवाएंगे। तो यहाँ पे प्राइस है 99.21, बस यहाँ पे गया 2.67 लीटर, तो 264 का अमाउंट बना है यहाँ पे। ऐड करते जाना दोस्तों कितना फ्यूल लग रहा है। पानी बहुत ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है। केलोंग से अभी निकल गए हम लोग।
एंट्री 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 करवा लो भैया। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं लद्दाख। ठीक है, थैंक यू सर। हमें आर्मी वाले प्रोटेक्शन दे रहे, आर्मी वाला जिप्सी आगे आगे प्रोटेक्शन देते हुए, हम पीछे पीछे। पिद्दू सा फर्स्ट वाटर प्रोफेसर क्रॉसिंग, वाटर प्रोफेसर क्रॉसिंग। ओए क्या था ये? तो दोस्तों हम पहुंच गए फाइनली दीपक ताल, रास्ता है रोड के साथ में ही है। बाय बाय दीपक ताल, बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं। नेटवर्क बिल्कुल गायब, कोई नेटवर्क नहीं है, नो इंटरनेट, नो कॉलिंग, नो सोशल मीडिया, कुछ नहीं है। मतलब व्यू देख रहे हो, व्यू देख के ना इतना मजा आ रहा है ना, पूरा पैसा वसूल है भाई, मजा आ रहा है भाई बाइक चलाने का। क्या मजेदार कर्व्स है, एक के बाद एक कर्व्स, एक के बाद एक कर्व्स। ये देखो जी भेड़ बकरी। अभी ना ये शेफर्ड लोग सब लोग ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर ठंड हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो ठंड में सब सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए सब लोग नीचे आ रहे। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पे मैंने, ब्रेक बोले तो, पानी पीना है यार, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग पीछे हैं, वो लोग तब तक आएंगे, तब तक पानी कंटिन्यूसली पीना ज़रूरी है। तो निकलते गाइस यहाँ से, पानी कंटिन्यूसली पीते रहना ज़रूरी है। अभी दिनेश को चक्कर आ रहा है, उसको उसको हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो वही है, हाई एल्टीट्यूड के कारण हो रहा है। आज सुबह से हम बोल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, वो अच्छे से पानी नहीं पी रहा है वो ना। कोई नहीं भाई, कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे, ना घर, ना आदमी, ना कुत्ता, ना जानवर, कुछ नहीं मिलेगा। हम पहुंच गए बारालच्चा पास। फाइनली हम बारालच्चा पास पहुंच गए यार। वी मेड इट मैन गाइस, हम अपना स्टिकर लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे। थैंक यू यार, तमन्ना तूने पहुंचा दिया यहाँ पे, सपना पूरा हो गया यार। अभी ना सांस फूल रहा है, मेरे सारे दोस्त निकल गए, मैं भी निकलता हूँ धीरे धीरे से यहाँ पे। ऑक्सीजन बहुत कम है, बोलने को भी दिक्कत हो रहा है। तो रुके हुए यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ये है भरतपुर सिटी इस जगह का नाम, और ये जो ढाबा है चम्मा ढाबा, ये हमारे नॉन के हैं, हमारे भाई हैं, तो जानने वाले मिले हैं, तो यहाँ पे बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे, और इससे पहले व्यू देखो। देखो जी ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, यहाँ पे सांस फूल जाता है ज़्यादा बोलने से। खाने पीने का सामान मिलता है, रहने के लिए सोने के लिए भी मिलता है यहाँ पे, अब वही है बेड के हिसाब से पर पर्सन सो सकते हैं। हमारे पासंग भैया रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और दिनेश को सिर दर्द कर रहा है, उसको हाई एल्टीट्यूड लग गया है, तो अभी लहसुन खा रहे हैं। लहसुन खाने से ऐसा होता है कि थोड़ा सा राहत मिलता है, मुझे तो अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी नहीं लूँगा, रख दिया वैसे, बाद में कुछ होगा तो वैसे होगा नहीं यहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ क्या हमारे ऑनर है हमारे भैया जब भी आना जाना यहाँ से होता होगा तो घुसिएगा यहाँ पे, यानी हमें हमारे के कॉफ़ी मंगवाया तो कॉफ़ी पी रहे हैं हम। मज़ा आ गया भाई लेट के, ये जो सुख है ना यहाँ पर लेटने का भाई
ये बिस्तर चाहे जैसे मर्जी हो, ये सुख भाई कोई दे सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है भाई। जो राइड के बाद थकान के बाद लेट जाओ और भाई रिलैक्स रिलैक्सेशन जो मिलता है ना, अनएक्सप्रेसिबल है। तो दोस्तों हमारे लिए यहाँ पे आ गया है मीट चावल और साथ में सैलेड। दिनेश थोड़ा सा सहमा सहमा हुआ है, तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया इसका। बाकी लोग सब लोग खाने का एंजॉय ले रहे हैं। हमारे भैया ने इसका इंतज़ाम किया है हमारे लिए, तो खाओ एंजॉय करो। ओहो कोल्ड ड्रिंक भी है, थैंक यू थैंक यू भाई। पूरा घर वाला फील आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, दिख के मज़ा आ रहा है। तो चलो खाना खाते हैं अब। ऐसे पहाड़ों में घर वाली फीलिंग वाले खाना भाई, आह वाह। मासू खाना है पहले तो, घर में मासू मजा आ गया यार। वो होममेड चिकनी भी है भाई, इसको भी खाने लगे। तो दोस्तों हम लोग अभी खाना खाते, मजा आ रहा है खाना खाने में। खाना खाने के बाद मिलते भाई, ठीक है। Go, 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 go. गलती कर दी भाई, गलती कर दी।